शर्मा। देश प्रदेश के मनोरंजन खेल जगत की हलचल इस प्रकार। आज से 272 मंडियों में 90,000 व्यापारी हड़ताल पर। मध्य प्रदेश में नए मंडी एक्ट के विरोध में आज 272 मंडियों में 90,000 से अधिक व्यापारी हड़ताल करें। इस कारण किसी की ऊपर की बिक्री नहीं हो। व्यापारी सरकार से लगातार मंडी टैक्सों 1.70 से हटाकर 0.50 करने की मांग कर रहे हैं। इनके मुताबिक नए एक्ट में बड़ी मंडियों को मंडी के बाहर सीधे किसानों से ऊपर खरीदने के अधिकार दिए गए। आईपीएल के दौरान क्या मिस कर रहे हैं अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि खेल के दौरान क्रिकेट कमेंट्री करते हुए काफी वक्त हो गया है। मुंबई इंडियंस जीत रही है। कमान इस तस्वीर पर मुंबई इंडियंस में कमेंट्स कर लिखा है कि इस लीजेंडरी आवाज को काफी मिस किया। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर की मौत। ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व बल्लेबाज डीन जॉन्स को गुरुवार को 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया और मुंबई में उनका निधन हो गया। वह आईपीएल के मैच में कमेंट्री कर रहे थे। जॉन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे मैच खेले। वह अपनी शानदार कमेंट्री के लिए भी जाने जाते हैं। मनीष सिसोदिया को कोरोना के बाद हुआ डेंगू, हालत गंभीर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया डेंगू से ग्रसित हो गए हैं। उनके कार्यालय की ओर से आ रहे सभी बयानों में कहा गया है कि सिसोदिया का ब्लड प्लेटलेट काउंट लगातार गिरता जा रहा है, उन्हें आइसोलेट किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव आईसीयू में एडमिट, बोल नहीं पा रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट कराया गया। वे पहले कोरोना से भी ग्रसित थे, ये आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रही। परिजनों ने बताया कि उनकी हालत में मामूली सुधार है। सारा अली खान मुंबई पहुंची। दीपिका ने कहा, मैं जांच में सहयोग करूंगी। एनसीबी में बॉलीवुड की चार बड़ी हस्तियों से पूछताछ के लिए बुधवार को समन जारी किए गए, जिसमें दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह शामिल रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।